सिस्टम हिलाकर रख दिया आपने? बिल्कुल, अब बाहर निकल के देखा मैंने तो लगा कि जेन्युइनली मैंने सिस्टम हिला के रख दिया और लोगों का, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। थैंक यू। आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, पहला वाइल्ड कार्ड जिसने बिग बॉस की हिस्ट्री में, OTT ही नहीं, आपने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, काफ़ी बड़ी बात है मेरे लिए कि 17 साल में इतना बड़ा शो है बिग बॉस, कोई वाइल्ड कार्ड नहीं जीता, तो मैं अगर वाइल्ड कार्ड बन के जीता तो बहुत बड़ी बात है कि इतना प्यार मिला मुझे। शायद मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्या करा जो इतना प्यार मिल गया, बट मिला, उसके लिए बहुत अच्छा ही लग रहा है मुझे। जी, आपकी जर्नी भले ही वाइल्ड कार्ड की तरह रही हो, यू नो, ऑन द शो, बट अब आप विनर है, आप अपनी जर्नी को कैसे देखते हैं पर्सनली? एक नंबर, मैं पर्सनली ये देखता हूँ कि जो रियलिटी शो था बिग बॉस, उसको मैंने रियलिटी की तरह ही जिया है, मतलब शो समझ के नहीं जिया कि शो है मैं ये करूँगा वो करूँगा, जो मैं इन पर्सन था वो मैं शो के अंदर था, तो एज सच मुझे कोई डिफिकल्टीज नहीं हुई कि मुझे कुछ बन के कुछ प्रिटेंड करना है, बहुत रियल था। बट जो चीज़ मुझे काफ़ी दिल को छू रही थी वो थी कि मैं कभी इतना दूर रहा नहीं अपनी मम्मी से, बिना फ़ोन विदाउट कॉन्टैक्ट, तो उस चीज़ का काफ़ी लग रहा था मुझे, जो लो फील करा रहा था, बट उसके बाद आई स्टैंड बैक और मैं जीता शो जो आप लोगों के सामने है। थैंक यू। और आपके जर्नी के लो और हाई मोमेंट्स कौन से रहे? हाई मोमेंट्स सारे ही थे जिनमें मैं हंस रहा था, खेल रहा था, और सबसे कॉन्वर्सेशन जो मेरी अलग अलग लेवल पे चलती थी, जैसे पूजा जी के साथ मैं अलग चीज़ बात करता था, उनके साथ मैं मस्ती करता था, अभिषेक और मनीषा के साथ, तो सारे हाईस थे मेरे जब जब मैं खुश था। कौन से रहे आप? लोस जब वीडियो कॉल पे मेरी मम्मा आई और मेरे फादर साहब आए जब घर के अंदर, तो वो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि इतने टाइम बाद मैंने देखा उनको, तो बहुत लगा कि यार थोड़ा इमोशनल। क्या आप अभिषेक के कहने से डिमोटिवेट हुए थे जब उन्होंने कहा था कि यू नो एक वाइल्ड कार्ड जीत नहीं सकता शो? नेवर, मैं बस थोड़ा सा बुरा लगा था कि कोई अपना बंदा वाला ऐसे बोल रहा है, उस चीज़ का बुरा लगा था, वैसे ऑल थिंग्स क्लियर और बहुत चिल है हम लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अलवेश।